रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों, फिर भी दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो, ये दिल मांगे मो। गगू, भूल दे अपने दिल की बात बेटा, भूल दे, मैं हूँ तेरे साथ, भूल दे बेटा। दादी, जब पारुल आपके पैर छूने आए ना, तो प्लीज उसे दिल से आशीर्वाद देना। अभी आप संभाल लेंगी ना? हाँ ज्योति, तू जा। ज्योति पुत्र, पुत्र मेरे लिए जूस ले आ जरा। भाभी ले आएंगी। पुत्र वो बाकी मेहमानों को देखेगी ना, तुझे जूस लाने में कोई इतराज है? पुत्र मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, जा ना, जा जूस लेकर आ, जा जा जा, जा। अब आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। आर्यन बेटा, हाथ आगे करो, पारु अंगूठी पहनाओ। आर्यन, बेटा ये क्या हो गया? जी वो थोड़ी सी चोट लग गई। बताओ, चोट भी उसी उंगली में लगी है जिसमें सगाई की अंगूठी पहननी थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम दूसरी उंगली में पहना दो, क्या फर्क पड़ता है ना? और क्या? जी जरूर, फर्क तो वैसे भी इस बात से पड़ता है कौन अंगूठी पहना रहा है और किसे पहना रहा है। अंतरा, भैया, ये
गॉड अब आ गए, वरना ये आज मेरे साथ। क्या कह रही हो अंतरा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेजर। मेजर इसी ने मेरे को रूम में लेके आई, उसके बाद डोर बंद कर दिया। मेजर मैंने कुछ नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो जय? पहले तुम मेरे भैया की सगाई में बिन बुलाए चले आए और फिर मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस गए। मैंने कितनी बार कहा तुमसे कोई बात नहीं करनी, फिर नहीं माने। और थैंक गॉड भैया आप आ गए, वरना ये आज मेरे साथ। मेजर प्लीज इसकी बात का यकीन मत कीजिएगा। मेजर तो किसकी बात का यकीन करें, तुम्हारी? जो चोरों की तरह मेरे बेटे की सगाई में घुसाया, अपनी औकात मत भूलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने और उसकी इज्जत के साथ? बस कीजिए, मैं कह रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे हैं, मैंने उसको टच नहीं किया है। जान पूछ के बोल रही है वो। आवाज नीचे। दी, दी, दी आप बोलो ना इनको मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है। दी, दी बोलो ना। देखा तो मैंने भी था जब मेरे घर के बाहर अंतरा की खिड़की पर पत्थर फेंक रहे थे तुम। मेजर, मेजर मैं मानता हूँ मैंने पत्थर फेंका था, पर मैं सिर्फ ये बता रहा था। कैफे में भाभी तुमने इसकी इंसल्ट की थी ना? मेजर मैंने अंतरा की इंसल्ट करके गलत किया मैं मानता हूँ, पर ये जो कह रही है वो सच नहीं है। इसकी बातों में आधा सच है आधा झूठ है, झूठ बोल रही है ये। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को झूठा बोलने की? जय मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ दोबारा अगर तुमने ऐसा कुछ कहा ना। पर मेजर झूठ बोल रही है। गुस्से में है और गुस्से में सही को गलत और गलत को सही कहने से सच नहीं बदल जाता। और सच ये है कि आपकी बहन जो मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है वो झूठे हैं, ये बुनियाद है। हीरा भाई बेकसूर है, उसने ना कैफे में अपनी हद पार की थी और ना ही इस बंद कमरे में। वाओ, कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने आप पे। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे भैया मेरी बात छोड़ के तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? एजो, क्या सच में आप उसी चीज को सच मान लेते हैं जो आपके अपने आप से कहते हैं? बिना कुछ जाने आप नतीजे पे पहुंच जाते हैं, इन्हें सही और बाकी पूरी दुनिया को गलत मान लेते हैं। सच वही है जो मैं कह रही हूँ और जो भैया ने देखा है। भैया आप इसकी बात का यकीन मत कीजिए, ये तो अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कहेगी। जैसे मेजर आर्यन अपनी बहन का साइड ले रहे हैं। साइड नहीं ले रहे हैं वो, भैया आपने देखा ना जय ने क्या किया? कई बार आंखों देखा आंखों का धोखा भी हो सकता है मेजर आर्यन, जानते हैं ना आप। मेरे भैया से मैं बात कर रही हूँ, तुम क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा सच सामने आ जाएगा? सच वही है जो मैं कह रही हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो अंतरा, मेरा भाई इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। चल मेजर आ रहे हैं। चल आप ये क्या कर रहे हैं? चल चल मेजर, मेजर मेरी बात का यकीन कीजिए। मेजर मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉरी बोलने आया था। मेजर आर्यन ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसके बाद आपको पछताना पड़े। नहीं, मेजर आर्यन, नहीं मेजर आर्यन, नहीं।
मेरी भी एक बहन है मेजर आर्यन, ये समझ सकता हूँ इस वक्त आपको कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कुछ नहीं हुआ है। हुआ है कैफे में भी? कैफे में जो हुआ वो गलत था, और इस बात का एहसास मुझे दीदी ने दिलाया, और मैं माफी भी मांगने आया था जब आपने मुझे अपने घर के बाहर देखा था। मैं सिर्फ माफी मांगने आया था। झूठ बोल रहा है ये, इसकी बात का यकीन मत करना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सगाई की पार्टी में भी इसी ने मुझे इन्वाइट किया। मैं सिर्फ माफी मांगने आया था, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो इसके रूम में भी नहीं जाना चाहता था, इसी ने मुझे कहा रूम के अंदर आके बात करो, इसलिए मुझे रूम में जाना पड़ा, और उसके बाद इसने रूम बंद। जय मेजर, आपको जय की बात पे यकीन नहीं है ना, मगर अपने इंस्टिंक्ट पे तो है। हम अपने कलीग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं मेजर, ये आपके प्लेटून का हिस्सा रहा है, आपने इसे ट्रेन किया है। आप प्लीज सब कुछ भूल जाइए, बस इसके सीओ की जरा सोचिए, क्या ये इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? मेजर, आपको इंसान की पहचान है। खुद एक लड़की होके किसी और लड़की के साथ ऐसे गलत होते हो कैसे देख सकती? वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाई है। नहीं, इसलिए क्योंकि मैंने जय को अंतरा के कमरे में देखा, लेकिन अंदर क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। ज्योति, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? मेरी बेटी को झूठा कह रही हो, उस पर इल्जाम लगा रही हो। आर्यन, देखा कैसे शब्दों के जाल से ये अपने भाई को बचा रही है। मैं पहली बार इसे देखकर समझ गई थी कितनी चालाक लड़की है ये, और शब्दों के जाल से कैसे दूसरों को फंसाया जाता है इसको अच्छे से आता है। मिसेस सिंह, आपको मेरे बारे में जो बोलना है आप बोलिए, मगर मेरे भाई के नाम पे ये दाग मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हमारे माता पिता ने हमें लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है, उन्हें जलील करना नहीं, उसी परवरिश में पला बढ़ाया जाए। जब ये कैफे का इंसिडेंट हुआ था, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो माफी मांगने के लिए तैयार था। अच्छा, तो इस बात का भी एहसान जता रही हो? सुना आर्यन तूने? आर्यन, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बल्कि आपको तो पता है जब इसने मेडिकल रिपोर्ट्स एक्सचेंज कर दी थी, सबसे पहले आके मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आप जानते हैं मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, अभी तो आपको मुझ पर भरोसा था। क्या हुआ आपको पता है? यकीन कीजिए, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, मेरे सामने भले मेरा अपना कोई क्यों ना हो। आर्यन, तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? तुझे जो करना है ना वो कर, पुलिस को बुला, वही इससे सच उगलवाएंगे। ठीक है, आपको मेरे भाई को अरेस्ट करवाना है ना, तो करवाइए, पुलिस को वारंट के साथ घर भिजवाइएगा, क्योंकि हम जंगल में नहीं रहते, शहर में रहते। सिर्फ इल्जाम लगाने से इंसान अरेस्ट नहीं होता, कानून प्रूफ मांगता है, पहले वो लाइए। चलो जय। माफ कीजिएगा, आप सब लोग यहाँ पर जश्न में शामिल होने आए थे, पर ऐसी अनहोनी हो गई, सो आप सबसे विनती है कि आज के लिए आप हम सबको माफी दीजिए। एक मिनट संध्या, तुझे क्या लगता है कि तू चेक लेके ऐसी चलती बनेगी यहां से? कितने का चेक? बैग में। निकाल, अब भी निकाल बैग से। तेरी कैटरिंग के बहाने से तेरा देवर जय इस कार में आया था ना, जिसकी वजह से इतना कुछ हुआ,
हाँ, और तुझे लगता है कि तू रोनी जी के पैसे लेके यहाँ से ऐसी चली जाएगी? और एक धेला नहीं मिलने वाला तुझे, और ये चेक। आर्यन बेटा, कैसी है वत्रा? अभी भी घबराई हुई है। एक सेल्टर देके सुलाए उसे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे इतने अलग कैसे हो सकते हैं? कहाँ डॉक्टर ज्योति, इतनी संस्कारी, इतनी सुशील, कहाँ उसका ये भाई जय जिसने हमारी बच्ची के साथ। माँ, आप बहुत भोली हैं। आपको नहीं पता दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी हुई है जो बाहर से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और। इनकी शक्ल देख के आप बता नहीं सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है। आर्यन, तुझे नहीं लगता बेटा कि हमने ज्योति और उसके परिवार को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है? हाँ, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, प्लीज। ठीक है, तू भी बहुत परेशान है, जा आराम कर ले। क्या कह रही हो अंतरा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेजर, इसी ने मेरे को रूम में लेके आई, उसके बाद डोर बंद कर दिया। मेजर, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जय की बात पे यकीन नहीं है ना? और अपने इंस्टिंक्ट पे तो है, हम अपने कलीग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेजर, ये आपके ब्लड रूम का हिस्सा रहा है, यकीन कीजिए मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मेरे सामने भले मेरा अपना कोई क्यों ना हो। कपिल, आई एम वार्निंग यू, आगे मत बढ़ो। ये कैसा अंतरण ले रहा है तू भगवान? क्यों किया जैने ऐसा? मैं डॉक्टर ज्योति के एक भाई को ऑलरेडी छीन चुका, दूसरे भाई को नहीं छीनना चाहता। अरे वीना, जल्दी आओ, कहां रह गई? जल्दी करो। ताला लेने गई थी दरवाजे पे लगाने के लिए। कमाल करती हो तुम भी, वहां सारे शहर के सामने हमारे बेटे ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में बिलवा दी है, और तुम घर का सामान बचाने की कोशिश कर रही हो। चलो जल्दी चलो। वाओ पापा। आपने तो पहले ही अपने बेटे को कसूरवार मान लिया। बिना ये जाने की गलती थी किसकी? ज्योति, संध्या, ये क्या, ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ ये सब? मां शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। आपके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, भरोसा रखिए उस पे, अपने परवरिश पे भरोसा रखिए। पापा, आप भी। पापा, पापा, मैं नहीं बन पाया कपिल भैया जैसा। मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत बार आपको शर्मिंदा किया, पर पापा अपने खून पे इतना तो विश्वास रखो कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। जय, आराम से। माँ, पापा, आइए ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। चलिए। नहीं दीदी, नहीं दीदी, जब तक पापा मेरी आंखों में देख के ये नहीं कह देते ना कि उन्हें मुझ पे भरोसा है कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, तब तक मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। पापा, मैं आपकी नजरों में नकारा बन के जी सकता हूँ, लेकिन आपकी इज्जत नीलाम करने वाला बन के नहीं। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाता। ये क्या कह रहा है बेटा? ऐसा नहीं कहते बेटा। Thank you.
मैंने जय बिना मेरी तो समझ में नहीं आता है कि वो लड़की आखिर झूठ क्यों बोल रही है क्यों ऐसा कह रही है वो इस तरह से बात करके जय का नाम बदनाम क्यों करना चाहती है क्या मिलेगा उसे ये मैं और भाभी पता कर लेंगे जिस तरह से उसने जय पे इल्जाम लगाया एक सोचा समझा प्लान लग रहा है मगर क्यों ये पता करना ही पड़ेगा